हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, क्लास सेवन्थ है और हमारा जो चैप्टर इस समय रनिंग में है, जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा चैप्टर है? यस, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 इज ओके बोलिए चैप्टर नंबर 9 इज प्रीवियस वीडियो में हमने किया था रैशनल नंबर्स। ओके, अब ध्यान आ गया आपको? तो रैशनल नंबर में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे और आज उसी से आगे हम फिर से करेंगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। ड्रॉ द नंबर लाइन, एंड रिप्रेजेंट ऑन इट। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट है 3 अपॉन 4। स्टूडेंट आप 4 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नो, 1 जा पर भी डिवाइड नहीं होगा। 4 1 जा 4 और यहां पर कितना है? 3 है। मीनिंग क्या समझे आप इससे? आपने ऑब्जर्व किया कि 3 अपॉन 4 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है बट ये 0 एंड 1 के ही बिटवीन है, इससे आगे नहीं है। ओके, इसी से स्मॉलर है, 0 से ग्रेटर है बट 1 से स्मॉलर है। सो आपने एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की स्टूडेंट, पॉजिटिव है इसलिए आपको नेगेटिव में ज़्यादा शो करने की या नेगेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 0 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -1 -2 और राइट में आपके पॉजिटिव होते हैं। तो 3 अपॉन 4 आपने स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया है कि ये 0 एंड 1 के ही बिटवीन है। तो आप 0 एंड 1 के बिटवीन देखिए डिनोमिनेटर कितना है? 4। आप 4 इक्वल पार्ट कीजिए 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट इज 1 अपॉन 4, सेकेंड 2 अपॉन 4, थर्ड 3 अपॉन 4 एंड दिस 4 अपॉन 4 मीन्स 1। हो गया ना 0 एंड 1 के बिटवीन। तो 0 एंड 1 के बिटवीन 3 अपॉन 4 यहां पर है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। देखिए समझा दिया हमने आपको, नंबर लाइन आपने ड्रॉ की और पॉजिटिव है 3 अपॉन 4, तो यहां पर देखिए 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4 मीन्स 1। तो 0 एंड 1 के बिटवीन है एंड 1 के नियर है 3 अपॉन 4। यस, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। -7 अपॉन 4 थर्ड पार्ट है ये इसका, माइनस थर्ड पार्ट -7 अपॉन 4। स्टूडेंट अगर आप देखिए डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग 3 अपॉन 4, तो 1 एक होल नंबर है यहाँ पर। इसका मीनिंग है कि आपको क्लियर हो चुका है कि -7 अपॉन 4 नेगेटिव साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा बट -1 एंड 2 के बिटवीन होगा, मतलब -1 से तो ग्रेटर है ये। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की और आपको नेगेटिव साइड में दिखाना है इसलिए आप पॉजिटिव कम ही दिखाइए, आपने ये दिखा दिया पॉजिटिव ओनली 1 और यहाँ पर इसके पार्ट कर दीजिए आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिनोमिनेटर कितना है स्टूडेंट यहाँ पर? 4। तो आपका फर्स्ट पार्ट होगा -1 अपॉन 4, -2 अपॉन 4, -3 अपॉन 4, माइनस
फोर अपॉन फोर मीन्स माइनस वन, यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया, और माइनस वन से ग्रेटर है देखिए, तो माइनस वन तो यहाँ हो चुका। अब आपको थ्री पार्ट और लेने हैं, माइनस फाइव अपॉन फोर, माइनस सिक्स अपॉन फोर, माइनस सेवन अपॉन फोर, माइनस एट अपॉन फोर। एट अपॉन फोर मीन्स फोर टू जा एट, यहाँ पर माइनस टू देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, तो माइनस सेवन अपॉन फोर कहाँ है देखिए, माइनस वन एंड माइनस टू के बिटवीन है, ये देखिए ये। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंट कर दिया है माइनस सेवन अपॉन फोर को। सो स्टूडेंट आई थिंक दैट कि आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे रैशनल नंबर को, और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं उनको आप ट्राई करेंगे खुद और उनको ड्रॉ करेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, और उसको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक नंबर लाइन है स्टूडेंट, और कुछ वहाँ पर रैशनल नंबर शो किए हुए हैं, आपको केवल उनको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद उन पॉइंट्स को बताना है कि ये किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज नंबर्स या दीज पॉइंट्स आर शोइंग विच रैशनल नंबर। ओके, इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ रैशनल नंबर गिवन हैं, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इसमें से कौन से पेयर हैं जो इक्वल हैं और कौन से हैं जो इक्वल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ओके, फर्स्ट इज माइनस सेवन अपॉन 21 एंड 3/9। टू नंबर्स ए पेयर ऑफ रैशनल नंबर इज गिवन, माइनस सेवन अपॉन 21 एंड 3/9, शोइंग दीज रैशनल नंबर्स आर सेम रैशनल नंबर और नॉट, हमें ये शो करना है। स्टूडेंट इसको शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं, टू मेथड्स हैं, जिससे कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये पेयर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल हैं और नॉट नहीं है। या तो हम इनका एलसीएम लें, और एलसीएम ले करके एलसीएम से हमें क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट, कि जिन भी रैशनल नंबर को हम एलसीएम ले करके सॉल्व करते हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ किस में आपस में कंपेयर करना होता है, न्यूमरेटर में कंपेयर करना होता है। न्यूमरेटर जिस भी रैशनल नंबर का ग्रेटर होगा वो ग्रेटर रैशनल नंबर होता है, और जिसका क्या होगा स्मॉलेस्ट वो छोटा होगा। या दूसरा यहाँ पर मेथड है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इजी है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चेक कर लेंगे कि इसमें क्या ये पेयर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। तो चलिए माइनस 7/21 एंड 3/9। देखिए स्टूडेंट इस न्यूमरेटर को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, सो माइनस 7/9 एंड इसका क्या होगा आंसर देखिए, 3/21।
देखिए इसको हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में ही रखना है आपको, इस न्यूमरेटर को आप इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर शो करना है। 7 9 जा 63, ओके, एंड 3 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 63, बट पॉजिटिव, सो आंसर इज -7/21 -63 एंड दिस इज +63। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो न्यूमेरिकली तो इक्वल है बट साइन इनके अपोजिट हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पेयर ऑफ रैशनल नंबर आर नॉट इक्वल, पेयर्स आर नॉट इक्वल, पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स नॉट इक्वल। ओके, इजी है स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और चेक कर लेंगे कि क्या पेयर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। चलिए इसी का एक और पार्ट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज -16/20 -16/20 एंड 20/-25। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, -16 × -25, यहाँ भी किया हमने 20 × 20, सो माइनस माइनस पॉजिटिव, +400 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो 400। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर इक्वल, रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आप इनको कंप्लीट करेंगे, कुछ अपनी तरफ से भी ट्राई करेंगे आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।